भाई सोनिया मैंने दोनों आईडी उड़ा दी है, सोनी का चंडीगढ़ के, उसका मैंने उसकी अम्मा की चूत पनौड़ी, उस जैसी रंडी गस्ती दल्ली। मैं कहती हूँ मैंने अपनी जिंदगी में कोई रंडी, सबसे रंडी भी नहीं बोलूंगी उस हिजड़े को, अगर मैंने कभी जिंदगी में देखा होगा वो एक ही हिजड़ा, वो इंस्टाग्राम पे वो ही है बस। तो तुम्हें खुशी नहीं मिली मैंने उसके दोनों अकाउंट उड़ा दिए? हैप्पी, मैं तो कह रही हूँ मैं आज 5 रोटियां खा गई, आज मैं फ्री में चुप्पा लगाने जा रही हूँ लोगों के, टैक्स दे दी मैंने, फ्री कर दिया सबको, अभी जा रही मैं तैयार होके, देखो कपड़े निकाल के बैठी हूँ, फ्री में सबके चुप्पे लगाऊंगी आज, दो बार तो उठा उठा के दूंगी आज तो मैं। तो तू मानती है मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ? यू आर, हमें पनौड़ी ये चीजें प्रूफ करने की जरूरत लोगों को है यार, तुमको लगता है? और आदित्य बलियान गंडवे तेरी तो मैं गांड फाड़ूंगी। मैंने आदित्य को बोला, आदित्य मुझे कॉल कर भैया, उसकी तो 1 लाख की आईडी क्या हो गई, वो तो हवा में उड़ गया, अगला नंबर लगता है इसका ही है पनौड़ी। क्या बोलती है इंस्टा की पगली? अरे फेक अकाउंट है वो, सारे फेक फॉलोवर्स है उसके, पागल है तू? 70,000 का आईडी उसका, 3 महीने में 50,000 फॉलोवर्स उसके बढ़ गए। लोग चूतिया बैठे हैं यहाँ पे, लोग यहाँ पे चूतिया लोग बैठे हैं। पनौड़ी अगर वो खुद अपनी लाइव ऑन करता है 100 लोग भी नहीं देखते, और वो क्या करते बॉम्बे से सब लोगों को जिनकी बड़ी बड़ी आईडी बिठा लेगा, बहन की गांड में गुद्दा दूंगा, मार के मुद्दा बना दूंगा। अबे जा बहन के लोड़े के, ये गुद्दा मुद्दा तू खेलता रहता है भैंसड़ी के, तो जो तो गुद्दा मुद्दा खेल रहा है वो कब के हम जाके छोड़ चुके हैं। गणमरी पिस्तौल, तेरे को लड़की ने चमाट मारा था, मैं तो कहती तेरी गांड पे 1 लाख और तेरी बंबू दे जाती वो सबसे सही था, भोसड़ी का अम्मा का चौदा। पनौड़ी कहता मैं अब मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका हूँ, कुछ जो लोग है जो मेरी कॉपी कर रहे हैं ना उनको बोलो मेरी कॉपी करे, आदित्य बलियानी बन सकते हैं, ऐसे बोल रहे अब तो वो खुलेआम कि लोग मेरी कॉपी कर सकते हैं, ब्रांड नहीं बन सकते। अरे भोसड़ी के टट्टी दीपक कल्लन के, तू दीपक कल्लन चूस चूस के तू आ गया आ गया, हमें सब पता है, तू क्या सोच रहे मैं अगर लाइव में ये चीज नहीं बोलती, पर दीपक इसे मैं लंच आता था पता है पनौड़ी तुमको, मुझे तो अभी पता लगी दीपक ने मुझे सारी बात बताई, मैं कब दीपक सर बोलना अरे भाई मैं मजाक नहीं करी, दीपक ने बहुत लंच चुसवाया उसको, जब इससे मन भर गया, इसकी लुली छोटी सी है, ये दीपक ने कहा मेरी गांड मार तो ये गांड नहीं मार पाया, दीपक ने भगा दिया इसको, ये नहीं भागा दीपक ने भगाया इसको। क्या बात कर रही है, सच में वाओ, इसको दीपक ने भगाया गांड पे लात मार के भोसड़ी वाले को, इसको 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 किसी ने नहीं भगा, इसको ये दीपक का लंच चूसवा था इसका, दीपक इसे बहुत लंच चूसवाया दीपक ने अपना, इसको तुम क्या समझते हो ये गणमारी पिस्तौल है यार। सुनो मलाइका, मलाइका सुन रही है ना तू, मलाइका मलाइका सोच, तेरी शेरनी दीदी ने, तेरी शेरनी दीदी ने कितनी बड़ी बड़ी बातें चोदी थी कि मैं तो राहुल शर्मा का मूवी नहीं देखूंगी, मैं तो राहुल शर्मा की लाइव पे कभी नहीं जाऊंगी, मैं तो ये कर दूंगी वो कर दूंगी, उसको कभी भी मैं अनब्लॉक नहीं करूंगी। क्यों रे मलाइका, तेरी तो दोस्त बहुत ही दोगली निकली रे, बहुत ही दोगली निकली तेरी दोस्त है, बहुत उड़ रही थी ना तू के मेरी शेरनी दीदी, थैंक्स हैव अ गुड डे, के मेरी शेरनी दीदी को मैं सपोर्ट करूंगी, मैं ये करूंगी मैं वो करूंगी, क्या हुआ तेरी शेरनी दीदी तो राहुल का लंड फिर से चूसने लगी? क्यों रे शेरनी रंडी, तेरी माँ की चूत तेरी साले राहुल बड़वे हिजड़े, तेरी बहू मुझे बहुत पसंद आ गई है, मैं तेरी बहू को मैनहट्टन की भैन चोट 10 स्टार होटल में स्टे दूंगा, तेरी बहू को मैं टिकट भी भेज रहा हूँ, सारी चीजें मैं तुझे तेरी बहू को शॉपिंग भी करवाऊंगा, और तेरी बहू के पास रेड कलर के तेरे जूते भी भेजूंगा मैं। क्या तेरी बहू को मेरे पास तू 15 दिन के लिए क्वारंटाइन करना चाहेगा? मैं तुझे मामा नहीं बनाऊंगा, मैं तुझे एक छोटा सा बेटा दे दूंगा, जो तेरे लंड में तो भैंचो ताकत है नहीं बच्चा पैदा करने की है, तो तेरी बहू को मैं प्रेग्नेंट ऐसा ही दूंगा मैं राहुल शर्मा। और सुन देना, और राहुल शर्मा के साथ साथ तेरा दूसरा जो है ना नल्ला, फैन का लौड़ा कपिल पुरी, कपिल पुरी
तेरी भी बीबी को भेज दे, पैसा तो मेरे पास ठोक के है ना कपिलपुरी, तेरी भी बीबी को भेज दे यहाँ पे, टेक केयर कर लूंगा मैं तेरी बीबी की भी, ऊपर से नीचे से भैंचोर हो हर रात भैंचोर, दिन रात दे दिन, दिन रात दे घुमा के, 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 भैंचोर दोनों का भोसड़ा पूरा है ना भैंजो, सुझा दूंगा मैं, इतना चो दूंगा। थैंक्स बहन के लौड़े, तुम्हारी माँ की चूत, तुम्हारे बाप को तुम गोली मरवाओगे, पनोनी भैया को गोली मरवाओगे तुम लोग, तुम्हारे बाप तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट दोगे, तुम्हारी बहन की चूत तुम्हारी। एक मिनट रुक जा, ये सोनिया घूम गई, सोनिया को फिर से लेता हूँ मैं। अरे भाई वो बंदे का आईडी यार शेयर करो मुझे, कहाँ गया वो बंदा? थैंक्स हो गुड डे। मेरी लाइफ में ना प्रॉब्लम है, मैं नीचे गिर जाती हूँ। बहन चोत तेरी माँ का घोसरा, तेरी बहन के लौड़े, तेरी माँ की चूत, बहन चोत, यस फॉलो मी स्नैपचैट, कपिल पूरी तेरी माँ की चूत तेरी, साले तेरे बाप को तू मरवाएगा, तेरे बाप पनौड़ी को तू मरवाएगा, तेरी औकात है भोसड़ी के, बोला ना तुम दोनों की बीबी को इधर भेज दो, अगर भोसड़ा मैंने सूजा नहीं दिया ना तो नाम बदल दियो पनौड़ी, समझा? और वो तेरा छोटा लड़का अभी अभी पैदा हुआ है ना, मादर चोद, छोड़ अब उसकी छोटी सी जान के बारे में क्या बोलू, अभी कुछ घटिया बोलूंगा ना तेरी बहन की चूत तेरी, तेरी रूह कलप जाएगी, समझा? तुम्हारे माँ की चूत तुम्हारी, पनौनी हमारी बेटियों को गाली देता है, पनौनी हम करता है, तो तुम्हारी माँ का भोसड़ा तुम्हारी, मैं मेरी माँ का बेटा नहीं हूँ, हैं? मैं मेरी माँ का बेटा नहीं हूँ, तुम्हारी माँ की चूत। आदित्य भड़वे, तू सिर्फ नीचे से देख, तुझे क्या लगता है तू एक लगे फेक फॉलोअर्स बढ़ा के तू बहुत बड़ा दादा या यूट्यूबर बन रहा है क्या? तू नीचे ही रहेगा हमेशा, डोंट कंपेयर, ओके? कल तू 2-4 हजार 2-3 हजार लोगों को क्या लेके बैठ गया, तुझे लग रहा था तू बहुत बड़ा तोप का वो बन गया, देख तेरे अम्मा अब्बा देख कहाँ बैठे हैं आज लाइव में, देख सिर्फ दो ही लोग, तू चार लोगों को भी लेके इतना नहीं पहुंचा, अम्मा अब्बा को देख तेरे, वी आर किंग, पनौड़ी सोनिया और दीपक, वी आर किंग, बाप बा होता है, माँ माँ होती है, ओके? फ्रीजर इज ब्रोक डाउन, ऐसे चूतिया पर काम करना बंद कर दे, आज तेरे को मैंने कहा, ओ 200 मेरी लाइफ में, वो बाबा मेरी लाइफ में 200 नहीं आ सकते, मेरी लाइफ में बहुत लोग मुझसे प्यार करते हैं, सोनिया का नाम ही काफी है, एवरीवन फॉलो मी स्नैपचैट, सोनिया 4777 सोनिया अरोड़ा 7477 स्नैपचैट पे फॉलो करें। इसकी माँ की चूत ये राहुल भोसड़ी का दोगला, हिंदुस्तानी भाव के सामने तू क्या कर रहा था? अरे वो क्लिप फिर से भेजना रे, वो क्लिप मेरे में प्ले नहीं हो रही है, $3 वो क्लिप मेरे में फिर से भेज भाई, वो क्लिप प्ले नहीं हो रही है मेरे फोन में, तो वो क्लिप को फिर से भेजो, मैं भैंचो यहाँ लोगों को सुनवाता हूँ, भाई ये राहुल दोगला बाहू के सामने लिटरली भैंचो ऐसे रो रहा था, बाहू माफ कर दो बाहू मुझे, मैं तुम्हारा टट्टा हूँ बाऊ, प्लीज बाऊ मुझे माफ कर दो बाऊ, प्लीज माफ कर दो मुझे, तेरी माँ की चूत तेरी लोगों के सामने भोसड़ी के रो रो के हराम का फेम खाता है, तेरी बहन का भोसड़ा तेरी मादर चोद, अपनी बहू को तेरी बहू को इतनी चोदूंगा ना मैं, तेरी बहू भाई मुझे बहुत पसंद आ गई है भाई, बहुत पसंद आ गई है तेरी बहू, कतई मलुक है तेरी बहू भाई, जितने भी लोगों ने स्टोरी लगाई है ना भाई, मैं चाहता हूँ आज उसकी बहू के नाम को नाम किया ना, रोज रात को आज रात की मूठ राहुल की बीबी के नाम, जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स बैठे हुए है ना भाई, कतई मलुक बीबी है उसकी, बहन चोद मजा आ जाएगा तुम लोगों को मूठ मारने में, उसके मुंह के ऊपर पिचकारियां छोड़ो भाई बहुत, और वो वीडियो बना के राहुल शर्मा को भेजो भाई, बहुत मजा आएगा उसको, उसकी बीबी के ऊपर जो तुम मूठ मार के भेजोगे ना भाई, खुश हो जाएगी उसकी भी रूह, खुश हो जाएगी, बहुत मजा आएगा उसको, और ये बहन का लौड़ा कपिल पुरी तेरी माँ की चूत तेरी, आज मैं तेरी बीबी की बहन के लौड़े बनाऊंगा मीम्स,
समझा, क्या करेगा तू, क्या कर लेगा तेरे बाप का, आज तेरी बीबी के मैं मीम्स बनवाऊंगा, है ना बहन? क्या लौड़े, मुझे मुझे मारेंगे ये दो कौड़ी के हरामी लोग, तेरे बाप को मारेगा तू कपिल, है? तेरे बाप को मारने का तूने किलिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मरने से पहले तेरी हर रोज तेरी बीबी को नंगी करूंगा मैं, तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी मादर चोद, हरामी की औलाद, गस्ती की औलाद। और मल्लाइका तू तो बहुत उछल रही थी ना, शेरनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, शेरनी के लिए मैं जान दे दूंगी, शेरनी के लिए मैं वो कर दूंगी, वही तेरी शेरनी रंडी बहन की लौड़ी, बहन चो दोगले लोग, मैं राहुल शर्मा को कभी ब्लॉक ब्लॉक नहीं करूंगी, कसम भोलेनाथ की, कसम मेरे बेटे की, मेरा रोहित मर जाए, मेरा ये मर जाए, मादर चोद अपने बेटे, अपनी बेटे की तो बहन चो सच्ची कसम खा ले, कितना चूतिया बनाएगी तू व्यूअर्स को, हाँ सब फेक हैं, सब फेक हैं, पनौड़ी सब फेक है यहाँ पे, बहन के लौड़े कोई अपना मत है। हाँ आज आज थर्सडे हुआ है ना, फ्राइडे सैटरडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक के, नेक्स्ट वीक इनके घर पे पहुंचेगी सीबीआई, ठीक है, सारा कच्चा चिट्ठा। हाँ आज मुझे कॉन्सुलेट, इंडियन कॉन्सुलेट से आ गया है फोन मुझे, नेक्स्ट वीक को इनके घर पे पहुंचेगी सीबीआई, इनको तो सब हंसी मजाक लग रहा है ना, तुमको लगता है नेक्स्ट वीक को सीबीआई तेरे घर पे पहुंचेगी, तेरी माँ की चूत, तेरी वो तो सुन, सुनो करती हूँ एक खुलासा कि आदित्य बलियान को उन्होंने पैसा दिया ठोक के, जिस होटल में वो खा रहा था उसको रहने का भाड़ा, तभी आदित्य बलियान कुछ नहीं बोल रहा बीच में आके, तुमको पता है आदित्य बलियान को भाड़ा मिल रहा है रहने का ना, कभी राजनगर में, कभी वो नोएडा में रह रहा है, कभी वो दिल्ली में किसी कमरे में जाके शिफ्ट हो रहा है, तुमको पता है ये सब कौन कर रहा है? आदित्य के पास तो खाने का भी पैसा मत है, वो तो खुद एक टॉवल एक बैग लेके हर जगह घूमता रहता है, अब तुम सोचो कि उस बेचारे के पास कुछ मत है, वो बहुत गरीब है, और उसकी अभी हेल्प कौन कर रहा है तुमको पता है, जिसके साथ वो 5 स्टार में होटल में रोटी खा रहा था, बताओ कौन? अच्छा हाँ भाई देखो, मुझे तो इतना पता चल गया, मुझे तो इतना पता चल गया के है ना भाई, इंडिया में, इंडिया में, इंडिया में स्पेशली ये बहन के लौड़े ऐसे दोगले लोग, इसकी बहन की चूत, इसकी राहुल जैसे, शेरनी जैसे बहन के लौड़े दोगले लोग, बहन चोत इंसानियत से है ना भाई, लोगों का विश्वास उठ जाएगा, इतने बहन चोत दोगले ये लोगों ने, बहन चोत भगवान की कसम, भगवान और अपने बेटी बेटे और बच्चों की कसम, तो ये लोग ऐसे खाते है कि बहन चोत जैसे इसकी माँ का भोसड़ा, उसकी बहन चोत गाजर मूली हो, ऐसे ही ये लोग कसम खा लेते हैं। बहन चोद एक मिनट भाई, ये क्या है यार? फॉलो करी सोनिया अरोड़ा 7477, सोनिया अरोड़ा 7477 स्नैपचैट पे ऐड करो सभी लोग भाई। वो बंदे का आईडी क्या है यार, नीचे लिखो यार। किसका? अरे एक लड़का है, उसका भाई खो गया बेचारे का यार, तो उसको थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं भाई। कहाँ पे वो आईडी का, क्या नाम है भाई उसका? प्लीज कमेंट करो एवरीवन, प्लीज कमेंट करो, देखो ऐसे लोगों के लिए तो हम लोग बने हैं, और मैं चाहती हूँ कि हम ऐसे लोगों की हेल्प करें। और देखो आदित्य के भी कोई गरीब, देखो वो भी बेचारा गरीब है, उसकी भी हेल्प कर दिया करो, उसके पास कई बार एक ही शर्ट होती है, वो फिर बॉडी दिखा के आ जाता है, लाइफ पे कुछ नहीं है उसके पास, तो अगर 2-5 रुपए अगर आप किसी भिखारी को दान करने से अच्छा उसको कर दोगे तो आपको दुआ लगेगी। वो एक ही कहेगा बहन की गुद्दी मारूंगा, कान पे गुद्दी मारूंगा, गुद्दी बना के सुझा दूंगा। अरे मेरा दिमाग यार, तब मेरा दिमाग सटका हुआ है, फटाफट नीचे कमेंट करो कि वो बंदा कौन है यार, यहाँ पे फालतू का टाइम पास मत करो, ठीक है? चिरो लाइफ 5000, जो 5000 करेगा आज मैं उसको एक अच्छा सा इसी खुशी में बहुत अच्छा डांस करके दिखाऊंगी, बनौड़ी सोनी गरंडी की आईडी उड़ने पर 5000 शेरो लाइफ फुल डांस शेरो लाइफ 5000। चलो जल्दी से करो माइक जान, जल्दी 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 जल्दी, आज देखना इसी बात पे आज मैं तड़कता भड़कता डांस दिखाऊंगी। शेरो लाइफ 5000 सोनिया डैंग से 5000। भाई मैं मैसेज नीचे टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ यार,
सुनील राठौड़ है उसका नाम, 5000 सोनिया डेंसी 5000। बाबूजी जरा धीरे करो, बिजली खड़ी यहाँ बिजली खड़ी, नैनो में चिंगारिया गोरा बदन लोड़ो की लड़ी, गिरी 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 बिजली गिरी, लोड़े पे गिरी फुद्दी पे गिरी बिजली गिरी। शुरू लाइक 5000 फुल फुल डांस करूंगी आज मैं, फुल बहन की लन दुनियादार की फुल डांस। जल्दी से दबा के शेयर करो, दबा दबा के चुची दबा के शेयर करो, जितने भी लोग बैठे हैं चुची दबा के शेयर करो, सभी लोग चुची दबाओ सब एक दूसरे की। अगर लड़के बैठे हैं तो लन दबाओ, चुप्पा लगाओ और जल्दी से शेयर लाइव, शेयर लाइव, शेयर लाइव। 5000 आई एम रेडी बेबी, 5000 यस होने वाले हैं, 5000 शेयर लाइव कंपट द लाइव, शेयर लाइव, ओह माय गॉश, शेयर लाइव, शेरू लाइव 5000, पनौड़ी 5000 पे आज रोकना मत, मैं डांस करूंगी प्लीज। हाँ हाँ पक्का पक्का डांस दिखा दो भाई, मैं नीचे कब से कमेंट पढ़ रहा हूँ यार, वो बंदा कहाँ पे है यार। फुल डांस, फुल फुल डांस से जल्दी से। डांस से सोनिया रोड़ा, डांस से 5000, जल्दी करो भाई मेरे को मजा नहीं आएगा। बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी यहाँ बिजली खड़ी, नैनों में चिंगारिया गोरा बदन लोड़ो की लड़ी, गिरी 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 बिजली गिरी। 5000 शेरो लाइव 5000, और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों से आप जल्दी 5000 करोगे। शेरो लाइव शेरो लाइव शेरो लाइव। आईडी है पनौड़ी, पनौड़ी सबका बाप। जो मेरा डांस देखेगा 5000। Oh my God. पता नहीं यार कौन सा आईडी है उसका, बहन चौध यहाँ पे उस, मेरा भी टाइम खराब हो रहा है, ये लोग नीचे आईडी लिख नहीं रहे। अरे फोन मत कर, मैं यहाँ लाइव पे बैठा हूँ। एक मेरी फ्रेंड है राधिका, वो कहती है कि मेरे को ऐड होना है, उसने शायद उसके लिए कुछ बोलना आ देते बलियान के लिए। राधिका आप आज लाइव पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ यू वांट टू कम दिस लाइव नो प्रॉब्लम, जल्दी से मुझे कमेंट कर दो व्हाट्सएप पे। गिरी 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 बिजली गिरी, उस पे गिरी लो गिर पड़ी, बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी यहाँ बिजली खड़ी, नैनों में शेरो लाइव 5000 की। देखो आपसे शर्त हो गया ना, मैं बहुत सेक्सी वाला डांस करूंगी, टू पीस में ब्रा पैंटी में। दिमाग मेरा भोसड़ा, या दिमाग का भोसड़ा हो रहा है, ये भंचन नीचे आईडी लिखो यार, कब से बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रही बात, दिमाग यहाँ पे मेरा बहनचोद दिमाग खराब हो रहा है। दिमाग मत खराब करो, देखो तुम्हें कुछ हिलता हुआ दिख रहा है पनौड़ी, देखो क्या दिख रहा है तुम्हें, चश्मा उतार के देखो जानू। ओ माय गॉड, शेयर लाइव 5000 बोल दिया ना, जल्दी से 5000 करो, आज मैं तुम्हें फ्री में दूंगी और चुप्पा लगा के भी दूंगी। शुरू लाइव शुरू लाइव शुरू लाइव शुरू, जल्दी से 5 सेकंड बचे हैं, जल्दी 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 जल्दी, 5 4 3 2 1 जल्दी जल्दी। पनौड़ी में डांस करने जा रही हूँ, 5000 कर दिए व्यूअर्स। हाँ तुम शुरू, 5000 हो गए। यस देखो ये है दम पनौड़ी और सोनिया का। अच्छा तो तुम डांस इसलिए कर रही हो कि वो सोनिका रंडीगढ़ की आईडी उड़ गई। यस 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 जानू यस, और मैं हर अभी अगला नंबर आदित्य बलियान का, बताओ कौन से गाने पे करूं व्यूअर्स, आप बताओ। अब तो मैं व्यूअर्स की बात माना करूंगी, जल्दी शेयर लाइव कौन से गाने पे, वही जिसमें लाइव हमारी बंद ना हो जाए। पनौड़ी एक एक लड़की है, उसका नाम है राधा 777 करके, वो कहती दीदी ऐड करो, उसने पनौड़ी के लिए कुछ बता, उसके लिए आदित्य बलियान के लिए कुछ बताना है। राधा दोबारा से कमेंट करना दीदी, आपकी आईडी
राधा 777। यहाँ पे तो कोई है ही नहीं राधा 777। पता नहीं है लाइव की यार, मेरा भी खेला बगाड़, मेरा भी खेला खराब कर रहे है। वो बंदे का भैंचोद आईडी नहीं भेज रहे है, मेरा भी खेला खराब हो रहा है यहाँ पे यार। यही जानू, चलो कौन से गाने पे करूं? मैं करूंगी बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी यहाँ बिजली खड़ी, नैनो में चिंगारियां, गोरा बदन चोलों की लड़ी, गिरी 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 बिजली गिरी, उस पे गिरी लो गिर पड़ी, बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी यहाँ बिजली खड़ी, नैनो में चिंगारियां, गोरा बदन चोलों की लड़ी। ये इनकी माँ की चूत, इनकी ये बहन के लौड़े, कब से बोल रहा हूँ मदर चौदह आईडी भेजो, आईडी भेजो, आईडी भेजो, बहन चौदह यहाँ पे मैं मेरी बात नहीं कर पा रहा हूँ कब से। तो भाई मैं तो यही कहना चाहती हूँ, आप लोगों का प्यार हमें यहाँ तक लेके आया है और आगे भी लेके जाएगा। थैंक यू सो मच। ये देखो हम लोग, आप लोगों का प्यार, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। और चलो शेयर लाइव 5000 कर दो, फिर मैं डांस करूंगी सभी के गाने पर। चलो हो गए 5 4 3 2 1। गिरी 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 बिजली गिरी, उस पे गिरी तो गिर पड़ी, बाबू जी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी नैनो में चिंगारियां, गोरा बदन शोलों की लड़ी। थक गई मैं। अगला नंबर आदित्य बलियान का आती, उसका नाम है राधा 788, RADH राधा, राधा पनौड़ी, उसका नाम है RADH AA। क्या नाम है दीदी? दोबारा से मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मुझे पूरा डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मुझे पूरा डिस्ट्रैक्ट कर दिया मेरी लाइफ। हाँ भाई बोल, अब छोड़ मूड गया मैं। राधा RADH AA, हाँ हाँ, 777, RADH AA 777। भाई वो लाइव पे है ही नहीं, यहाँ पे कोई सर्च में आ ही नहीं रहा है। दीदी कमेंट करो, दीदी प्लीज जल्दी से कमेंट करो, आज मैं इसकी भड़वे की औकात दिखा दूंगी। राधा 788, राधा 788, राधा 788। हाँ जी, RADH AA 788। ये तो बेंचो कोई फेक आईडी लग रहा है। फेक आईडी नहीं है, तुम एक बार इसको ऐड करो, ये लड़की फेक आईडी से आई है, इसने मेरे को अपना। हेलो हेलो, हाय, कैसी हो दीदी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। अच्छा आप आदित्य के बारे में कुछ बताओ, मैं पनौड़ी की, मैं चाहती थी कि आप लाइव पे सारी चीजें पनौड़ी को बताओ, आदित्य वाली। ये आदित्य पहले उधर रहता था राजनगर एक्सटेंशन में। हाँ, फिर ये वहाँ से नोएडा शिफ्ट हो गया। हाँ ठीक है, तो ये मेरे को होटल लेके जाता था, इसने मेरे से पैसे लिए थे नया फ्लैट रेंट पे लेने के लिए। पनौड़ी देख लो, ये सी उकात है, भड़वे की ये उकात है। देखो कितने पैसे लिए थे बहन तुमसे? 70,000 रुपए। 70,000 मतलब 17 और 70? 70, 70,000 रुपीज उसने आपसे लिए हुए। शी इज वेरी रिच, ये बहुत अमीर लड़की है पनौड़ी। अच्छा तो तुम्हारे पास, सुनो बहन, तुम्हारे पास उस चीज का कोई प्रूफ है?
हाँ मेरे पास है, होटल की फोटो है, ये मेरे से मिला था, सारे प्रूफ है। अच्छा तो नहीं, आपने उसको पैसे कैसे दिए थे? आपने उसको पेटीएम किए मेरे से थे बैंक होटल अकाउंट मिला में? था, होटल मिला था तब मैंने उसको पैसे दिए थे वहां पे। अच्छा आप होटल में उसको मिले थे, तब उसने आपने उसको हैंड कैश दिए थे या पैसे कैसे दिए थे? हाँ अच्छा जी कैश दिए थे। नहीं कैश दिए थे, तो वो कैश पैसे देते टाइम आपने कोई पिक्चर्स या कोई वीडियो ऐसा कुछ बनाया था? ऐसे तो पता नहीं था ना कि चीटर निकलेगा, तो कि प्रूफ बनाना पड़ेगा। इतना बोला था कि हेल्प कर दो, थोड़े दिन में वापस कर दूंगा, घर नहीं है रहने को। तो भाई ये बात तो बहुत बड़ी है, तो उसने आपको लूटा है बेसिकली। बहुत हेलो, खराब है पंडित दीदी, आप अपनी बताओ। तो सोनिया तुम्हें ये लड़की कहां से मिली? ये मेरे को मेरी उस पे मिली थी इंस्टाग्राम पे, इसने पहले अपने ओरिजिनल अकाउंट से मुझे मैसेज किया था, हाँ मैंने और सारी इसने, प्रोफाइल इसको चेक। आदित्य ने मेरे फोटोज पे गंदे गंदे कमेंट्स करवाने स्टार्ट कर दिए, मुझे ब्लैकमेल करना, तो मैंने अपना अकाउंट भी डिलीट करा इस बंदे की वजह से। इसने मेरी लाइफ में इतना रफ्स क्रिएट कर दिया है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। इस बंदे की वजह से मैं अपने कॉलेज नहीं जा पाती, ठीक है, ये मुझे ब्लैकमेल करता है कि कॉलेज में आके ड्रामे करेगा। इसने मेरी लाइफ एकदम रुइन कर दी है पूरी तरीके से। तो तुम बहन अभी तक कितने दिनों से कहां पे छुप के बैठी थी? अभी तक तो तुम्हें सच में सामने मेरे आ को जाना पता नहीं, मैं चाहिए किसको था। कांटेक्ट करती, मेरे को पता थोड़ी ना था अगला बंदा मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम्हारे फैमिली में बता दूंगा, तुम्हारे घर आ जाऊंगा। जहाँ पे होटल में थे वहां से मेरा आधार कार्ड निकलवा लिया, इसके पास मेरा पूरा एड्रेस है, लेकिन अब मैं बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। आई लिटरली डोंट नो व्हाट टू डू, आई एम रियली अपसेट। ओ बहन चोद, ये तो मादर चोद आस्तीन का है ना कोंडा निकला, ये गरीब बहन का लोड़ा। मैं तुम्हें पहले ही बोलती थी इसकी औकात तो भी और मेरे को ही तेरे माँ काफी। की चूत, तेरी बालियान, तूने बंदी से पैसे भी लिए, तू उसको एंड ब्लैकमेल भी कर ऑनेस्टली रहा है। ऑनेस्टली आई एम नॉट फ्रॉम सच अ फैमिली, आई एम नॉट हियर फॉर एनी फेम। मैंने मैंने ये अकाउंट बनाया है फेक, क्योंकि मैं अपने ओरिजिनल अकाउंट से नहीं आ सकती। मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली है, मैं कोई ना मेरे को फॉलोअर्स चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, आई एम अ गुड एजुकेटेड गर्ल। इट्स जस्ट दैट आई हैव बीन चीटेड, और मैं अपना यहाँ पे बस जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और लड़की के साथ ना हो, सिर्फ इस मकसद से यहाँ पे आई हूँ, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओ तेरे माँ की चूत, तेरी साले कुत्ते हरामी, तेरी माँ का भोसड़ा तेरी, तू तो मादर चोद। भाई ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहन चोद, ये मादर चोद, ये बालियान, फिर ये बहन का लोड़ा, ये इसकी माँ का भोसड़ा, इसकी कपिल पूरी, ये साले लोग है ना, ऐसे ही लोगों को फंसा फंसा के उनके पैसे लूटते हैं। ये बहन के लोड़ो ने ना यही काम करके रखा हुआ है। तो बहन तुम्हारे पास से पैसे कब लिए गए थे? कितने टाइम हुआ इस इसने बात को? इट्स बीन अराउंड 2 मंथ्स ऑलमोस्ट। जब ये राजनगर रहता था, राजनगर, ये राजनगर रहता था, जब ये 2 महीने पहले राजनगर था। अच्छा तो आप उसको कैसे मिली थी, कैसे बहन? नॉर्मल इंस्टाग्राम पे मतलब बात बात हुई थी, लाइव वगैरह में देखती थी, तो वहां पे मेरे को इसने बहुत बार बोला कि ज्वाइन करो, आ जाओ, कपड़े उतार दो। मैंने कहा लिसन, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल, आई बिलोंग टू अ वेरी नाइस फैमिली, दिस इज नॉट माई क्लास, मैं ऐसी नहीं हूँ भाई, ठीक है। फिर इसने कहा मैं अपने आप को ओहो चेंज कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, आप मेरे से मिलो, मेरे को कोई सही गर्ल नहीं मिली अपनी लाइफ में। पता नहीं क्या क्या ड्रामे भाई इस बंदे ने, ये नंगा और होके इतना क्यों आता फेक। है पनौड़ी? ये नंगा होके क्यों आता है? अपनी बॉडी दिखाने के लिए और कुछ नहीं? क्या है कि भिखारी के पास कुछ भी नहीं, भिखाची है भिखारी। देखो लड़की से लड़की का पैसा खा रहा है भाई, जा भोसड़ी के। ओ बहन चोद, ये तो बहुत ही गलत बात है। तेरी माँ की, अरे तेरी बहन की चूत, तेरी बालियान, अब तो मैं तुझे खोल के रख दूंगा। तेरी माँ का भोसड़ा तेरी, इट हाँ? इज नॉट जस्ट अबाउट द मनी, इट इज और तूने ऑल्सो तेरी दैट। माँ की चूत, तेरी ऊपर से तू ये लड़की को ब्लैकमेल भी करता था। तुम्हारे पास प्रूफ है बहन, इसने आपको ब्लैकमेल किया वो सारी चीजों के, हाँ हाँ? हाँ मेरे पास सारे प्रूफ हैं इसके, सारे प्रूफ हैं इसके मेरे पास। ओ बहन चोद, तेरी तो माँ चोदूंगा मैं भाई, सारे बस मैं प्रूफ एक। सिर्फ इस बात से डरती हूँ कि इसके पास मेरे घर वालों का अरे एड्रेस है, तुम और मत डरो, उसका बाप हूं मैं। इंस्टाग्राम के बाप के साथ आप बात कर रही हो, समझ रही हो? दिमाग है आप में? आप किसकी लाइफ पे बैठी हो अभी? वो डरो बोल मत, के रख दूंगा बहन बहुत के लोड़े को थ्रेटन कर रहे 5 मिनट हैं। में। आपको तो कब तक का कांटेक्ट कर लेना चाहिए था। एंड माई माई फादर इज अ हार्ट पेशेंट, उसको पता है अगर कुछ भी मेरे घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ये उसी बात का मिस यूज कर रहा है बस। और अरे पनौरी इसकी इस तो लड़की माँ चोद से, दूंगा मैं, सुनो। इस बेचारी ने अपनी फीस भरनी थी, सोचो ये अपनी फीस के पैसे इस बंदे के पास लेके गई यार।
क्या यार तुम पागल थी, तुम ऐसे बंदे के चक, वो तो नंगा होके इसलिए लाइफ पे आते, लड़कियों को फ्री में छोड़ दे, फ्री में मिले, डीएम में आके, उसके बस के तो कुछ भी नहीं है, क्या देख लिए तुमने उसके पास ऐसा, ये बताओ। He made me fake promises कि he will change, वो ठीक हो जाएगा, ये सब बंद करेगा, गाली गलौज, बहुत fake promises करे यार, he has ruined my life, कुछ नहीं समझ आ रहा literally। अरे उसने तो बेंचो वो तोतली को भी लूटा, इसका मतलब तो ये हुआ है। तोतली उसकी गुंड आ रही थी बाद में, तोतली उसकी, तोतली की तो अम्मा ठोकूंगी मैं, अम्मा तोतली भड़वी मेरी। मैंने उसको पूछा भी था कि जानवी से तुम्हारा क्या है, तो कहता जानवी मेरी मुंह बोली बहन है, ये वो है, मेरे को ऐसे। अरे मेरा लौड़ा बूमबेली बहन है इसकी, ये जानवी के साथ बहन का लौड़ा वहाँ पे एक वीक रुक के आया है भोसड़ी वाला, वो जानवी को भी लूटा इसने, वो जानवी ने खुद मुझे बताया फोन करके है, बहन का लौड़ा पता नहीं कितनी लड़कियों को इसने लूटा इंस्टाग्राम पे। और तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है कि तुम लोग पैसे कैसे दे सकते हो यार। इसने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी कि मतलब मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं अपने घर से छोड़ के आ गया हूँ, आई डोंट हैव अ प्लेस टू स्टे, खाने को पैसा नहीं है, ये नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, पता नहीं कैसी कैसी बातें करके इसने इतना मेरे को इमोशनल कर दिया। मैंने फिर लास्ट में मेरे को अपने कॉलेज सेमेस्टर की फीस पे करनी थी, इस बंदे ने बिल्कुल मेरी लाइफ स्पॉइल कर दिया। अरे यार तो ऐसे मत, पिछले हफ्ते वो तो somehow सोनिया से कांटेक्ट हुआ, तब ये बंदी ने जाके मेरी फीस वगैरह पे करवाई, इस बंदी ने मेरी इतनी हेल्प करी, अपने आप जाके कॉलेज में सारा सब कुछ करके। दीदी ये बातें कोई बात नहीं, आप मेरी दोस्त हो, देखो पनौड़ी इतनी अमीर की फैमिली से नहीं है, ये बंदी बहुत नाइस है, देखो मैंने देखो इतनी तो नहीं दी, जितना मुझसे हो सका मैंने इसकी हेल्प की है, इसलिए मुझे कहीं से ढूंढती हुई मिल गई थी लाइफ पे, इसने बोला कि आप पनौड़ी से मेरी बात कराना, तो ये बेचारी ने अपना काम तक रिमूव कर दिया उस बड़वे के चक्कर में। बाकी तुम देखो मैं तो कुछ नहीं कहूंगी, ये तो पनौड़ी मैं तुम्हें लेके आई हूँ तुम्हारे दरवाजे, सुनो साफ तुम्हारे हाथ में, आपके पास जितने भी प्रूफ है ना आपका अकाउंट में देख लेता हूँ, एक मिनट, आपका अकाउंट है, भेज दूंगी सोनिया आपको, भेज देगी, आप सोनिया को सारे के सारे प्रूफ आप सोनिया को भेज दो, ठीक है, मेरे पास सारे प्रूफ आते ही भाई बहन के लोड़े की, अगर मैंने आपके पैरों में लाके मैंने मादरचोद को माफी नहीं मंगवाई ना तो मेरा नाम पनौड़ी नहीं, ठीक है, अगर आपने जो जो बातें बोली है वो बातें सारी सच है तो मैं आपका स्टैंड पक्का लूंगा, सब दिखा रखा है सब कुछ, इसको हर एक चीज मैंने बिल्कुल दिखाई थी, अचानक से मैसेज आ गया मेरे पास, ये तो अचानक से ये आती नहीं, ये डर के मारे नहीं आ रही थी, कहती दीदी ये लाइव यूट्यूब पे जाती है लोग देख, मैंने कहा तुम क्यों डर रही हो, ये डर के मारे नहीं आ रही थी हमारी लाइव पर। अच्छा यार देखो डरने की कोई जरूरत नहीं, आपने आपने कोई गलत नहीं किया है, उसने आपके साथ गलत किया है, तो आप भाई क्यों डर रही हो, बस मेरे को ये डर है कि वो मेरे घर पे बता देगा दांत सेट, मेरे को और किसी चीज का वो नहीं है। अरे बहन चोद घर पे बता देगा तो क्या हो जाएगा, घर पे बता देगा तो तुम्हारे मम्मी से मैं बात कर लूंगा, पापा मम्मी से, गलत तो उसने तुम्हारे साथ किया, तुम क्यों डर रही हो भाई, पैसे तुम्हारे लूटे उसने झूठ बोल के, आप क्यों डर रही हो फालतू में, होटल वगैरह गए ये सब गए, ये सब नहीं पता था, अरे होटल गए तो कौन सा, कौन सी होटल में, ओयो में लेके गया था, ओयो में उसकी माँ के झूठ, ओयो तक उकाते बड़े हुए की, पनौड़ी तुम बोलो मैं तो नहीं बोलूंगी, तुम बोलो यार, मैंने तो भाई देखो मैं तुमको जानता नहीं हूँ राधिका, तुम्हारे पास जो भी प्रूफ है वो सारे प्रूफ तुम सोनिया को भेज दो, ठीक है, सोनिया मुझे प्रूफ भेजेगी, मैं आपने यहाँ पे आपने 5,000 लोग के सामने आके जो बात बोली है अगर वो बात में सच्चाई होगी तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ वो बहन के लौड़े को है ना मैं आपके पैरों तक घसीटते हुए लेके आऊंगा, ठीक है, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू, ठीक है, तो सारे प्रूफ आप है ना ये सोनिया को भेज दो, I definitely help you out. ठीक है? Okay, thank you. Okay, bye. यहाँ पे यार बात किसी की चल रही थी क्या क्या से क्या, मैं तो खुद बोलूँ ये आदित्य बलियान का, तुम यार तुम ही कुछ कर सकते हो, ये चोर एक नंबर का भोसड़ी का। अरे लेकिन तू मुझे प्रूफ भेज दे भाई, तू मुझे प्रूफ भेज दे, सारे प्रूफ भेज दे, मैं बैन चोद दूंगा उसकी,
अरे यार वो कहाँ गया यार, वो यार क्या है यार, वो बंदा बेचारा 5-6 दिन से पीछे पड़ा हुआ था, आज ही वो लाइव पे नहीं आया यार। और प्लीज आप लोग इंसाफ के लिए हमारे पास आओ, इंस्टाग्राम पे बनौड़ी को डीएम करो, मुझे करो, मैं ऐसे लोगों की चिट्ठी खोलेंगे, और हम नहीं डरते किसी से, हम चिट्ठी खोलेंगे ऐसे लोगों के, ठीक है? देखो अभी भी वो बंदा लाइव पे पता नहीं कहाँ गया है। हाँ। और स्नैपचैट पे फॉलो कर लो सोनिया अरोड़ा 7477। ओ ये सिद्धि आई है बहुत दिन बाद। सिद्धि आ जा भाई लाइव पे, बहुत दिन बाद सिद्धि से बात करेंगे। सिद्धि को हो, सिद्धि है इंस्टाग्राम पे या खो गई? सिद्धि नहीं आई है। हाँ सोनिका रंडीगढ़, तेरी माँ की चूत, तेरी माँ का भोसड़ा तेरी, अब तूने तेरी माँ दूसरी रंडी बहन की लौड़ी, ये गुड़गांव की बकरी को तूने गालियां नहीं दी ना, तो तेरा मेन अकाउंट भी मैं उड़ा दूंगा, समझी? तेरी बहन का भोसड़ा तेरी, तेरे बाप को गाली बोल रही थी ना कल, अब कलब तेरी माँ की चूत तेरी, तेरे देना और तेरे दोनों अकाउंट खा गया ना ये तेरा बाप पनौड़ी है, कलब तेरी माँ का भोसड़ा तेरी। आज के बाद शेरनी रंडी और ये राहुल दोगला उन लोगों की लाइफ पे जाके किसी भी बड़े अकाउंट ने मुझे गाली दी तो भाई समझ लेना कि तुम्हारा अकाउंट 2 दिन में रेस्ट इन पीस हो जाएगा, ठीक है? तो गाली देने से पहले तुम्हारे बाप को 100 बार सोच लियो, तेरी माँ का भोसड़ा तेरी, और सुनो राहुल दोगले तेरी बहन की चूत तेरी, तेरी बहू को बहन चो बच्चा देगा ये पनौड़ी पक्का, और तेरी बीबी को है ना राहुल, राहुल तेरी बीबी को मैं रोहित से नहीं, संडे को मैं खेला करूंगा, तेरी बीबी को मैं चुदवाऊंगा ये कपिल पुरी से, तेरी बीबी को चुदवाऊंगा, और कपिल पुरी की बीबी को मैं चुदवाऊंगा अपना ये ले लो रोहित से, ये दोनों खेले रहेंगे भाई संडे को, संडे को बेंचो में इतना फंडे बना दूंगा और बहन के लोड़ो की रूह को इतना कल्पा दूंगा मैं, तो दोगले तेरी बीबी चुदेगी वो लंबे बाल वालों से कपिल पुरी से, और कपिल पुरी तेरी बीबी चुदे चुदे चुदेगी शेरनी के दो कौड़ी के लौंडे से रोहित से, उससे चुदवाऊंगा मैं तेरी बीबी को। अरे सिद्धि तुझे ऐड कर रहा हूं, तू ऐड तो हो नहीं रही है यहाँ पे। सिद्धि का अकाउंट ही पता नहीं है। आदित्य बलियान का तो कुछ करो बनौड़ी, ये बड़वा। अरे तू प्रूफ तो भेज दे इसकी माँ की चूत आदित्य बलियान की गनमरा। अबे एक मिनट रुक जा, ये ऑफिशियल। अब मैं कह रही जितनी भी व्यूवर्स है सब जाके उसको गालियां देना, देखो वो लड़कियों के ऐसे पैसे खा रहा है, और प्लीज बी केयरफुल लड़कियों, काली पीलियो काणी काणी अंधी लिलियो, प्लीज ऐसी लड़कियों ऐसे लड़कों से बच के रहना, ये लड़का बड़ा हराम है, नंगा हो गया इसलिए आता है अपनी बॉडी दिखाने के लिए। पता नहीं ये सिद्धि ने ऑफिशियल सिद्धि कौन सा अकाउंट बना के रखा हुआ है, तो मैं दिख नहीं रही थी इतने देर से। अरे लेकिन तूने पता नहीं कौन से अकाउंट का नाम था तेरा सिद्धि, फिर उसमें अंडरस्कोर अंडरस्कोर चेंज हो गया, वही अकाउंट है, इसको बोल फुद। अरे कुतिया तू भी बैठी है ना, भाई सुनो राहुल कितना बड़ा दोगला है, वो सिद्धि दो वर्ड्स राहुल दोगले के बारे में सिद्धि बताएगी, सिद्धि शुरू हो जाओ। है ही दल्ला बहन का डंडा ये तो, इसकी कुछ औकात नहीं है, वो कपिल पुरी की भी बड़ी बड़ी फेंकते बस दोनों के दोनों। 1 लाख की कंपनी है वो कपिल पूरे हिजड़े की, 1 लाख की कंपनी है सोनिया, और बोलता है कि देखो बोलता है मैं साई पैलेस में खाना आया था, मुंबई की सबसे महंगी रेस्टोरेंट है वो, वहां का रेट देखेगा ना गांड फट जाएगी इसकी।
अरे इतने पैसे, बड़े अरे इतने पैसे में तो वो कपिल की, वो कपिल की बीबी ऐसा बोलेगी कि भाई इतने पैसे खर्च मत करो, पूरे साल का राशन आ जाएगा हमारा। पागल है तू कपिल, इतनी महंगी और रेस्टोरेंट में जाएगा, औकात है तेरी, ऐसा करेगा तू? ये तेरी बीबी ऐसा बोलती होगी, मैं नहीं, तेरी बीबी ने बोला होगा तुझे। गांड सोनिया, धोने। हाँ और ये सोनिया राहुल से भी ज्यादा कम बलियान के औकात बारे है में उसकी। क्या कहना चाहेगी सिद्धि? तू आदित्य बलियान के बारे में क्या कहना चाहेगी, वो भड़वे के बारे में? देख, आदि के बारे में पर्सनली तो मैं नहीं जानती, लेकिन ना उसने मुझे कभी गलत बात नहीं की। बाकी तो देख, अभी इसी लड़की के बारे में मैंने सुना, मुझे बहुत गलत लगा। आदि, तुझे ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। देख, ये हमको भीख तुझसे मांगी है एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, तो यार। इतना गिर जाएगा। पता नहीं क्या लड़कियां देख लेती हैं यार, इन लोगों में क्या देखती हैं देख, तुझे सोनिया ये? जैसी सोनिया को भी तरस आ गया है यार, तूने गलत किया है। सोनिया वो 10 जगह भी उसी चुप्पे तारीफ लगाने वाली, उसको भी बुरा लग रहा है यार। है, मुझे भी बुरा लग रहा है। बता, मैं आज चुप्पे लगाने वाली थी, वो भी मेरा मन नहीं कर रहा। अब उस लड़की का पैसा खा गया बड़ा ले बाप। देख कितना गलत किया, आज सोनिया की कमाई रह गई। आज मैं तेरे को चुदवाने नहीं, उसका जाऊंगी पैसा, नहीं, पैसा पैसा उसने, उसको पैसा नहीं खाना चाहिए था। और उसने, मुझे सबसे बुरी बात ये लगी कि पैसा खाने के बाद उस बंदे ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया। बनौरी, और बनौरी यार वो बहुत 70,000 नकाम के है लिए ना आदि तूने इतने बड़े बड़े कांड कर दिए यार, 70,000 के लिए। यार। सीधी वो खुद बोलते कि मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं है, झोपड़ा नहीं है। अब तू सोच, किसी लड़की ने तरस खाया तो वो बंदा उससे प्यार करने लग गई वो लड़की, ठीक है? चल एक अटैच, उसको लगा गरीब लड़का है, प्यार करूंगी तो पट जाएगा। उसको क्या पता पैसा खा गया ये भी भड़ भड़ हो तो मैं वही जाए तो बोल रही हूँ, 70,000 के लिए यार तूने किसी लड़की को ऐसे यूज यार। किया, अच्छी लेकिन बात नहीं मुझे है। तो ये समझ में नहीं आया, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि आजकल की लौंडियों को अब गरीब लड़के पसंद आने लगे। फ्रेंड, सच में बनौरी, क्योंकि मीरू से उनको प्यार नहीं मिलता, मीरू से सीधा भाई, धोखाई मिलती है सीधा। ट्रेंड चेंज हो चुका है क्या इंडिया में, क्या अब हाँ, लड़कियों को मैं तो गरीबों से खुद प्यार गरीब होने लगा? लड़के को डेट कर रही हूँ, वो जो उधर रहता है सोनिया, तुझे यूके किससे में। प्यार हुआ है सच बता। देख मेरा तो एक ही है, मेरा पति दीपक कलाल, उससे मुझे संतुष्टि कभी कभी नहीं मिलती। तो एक झोपड़ी मैंने झुग्गी दे रखी है उसको, झुग्गी में चली जाती हूँ मैं धोखाई करने के लिए। और पनोड़ी कौन है? पनोड़ी के लिए तो तुमने व्रत रखा था। वो तो मेरी जॉन है, उसकी लंबी उम्र के लिए। और पनौड़ी को जो गोल लोग गालियां दे रहे हैं ना, धमकी दे रहे हैं कि अम्मा की चूत। पनोड़ी, हाँ मैंने भी उस दिन सुना तुझे धमकी दे रहे थे वो कपिल पूरी पूरी पूरी। हाँ, वो कपिल ने कोई किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया था मेरा, एंड वो अच्छा लोग मुझे मरवाने, हाँ मरवाने की उन्होंने प्लानिंग की थी। तो वो ओके वॉइस नोट है पूरी, इसीलिए तो ये पूरा बबाल मचा है। मैंने, लाइक मेरी फैमिली ने FBI में कंप्लेंट कर दी, एंड ओके आज ओके ओके कॉन्सुल, लाइक इंडियन कॉन्सुलेट से भी मेरे फैमिली को फोन आ गया, इन दोनों के एड्रेस एंड वो सारी चीजें इन लोगों ने निकाल ली है। तो नेक्स्ट वीक को, शायद नेक्स्ट वीक तक CBI उनके घर पे पहुंच जाएगी। नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है यार, ऐसे खुलेआम किसी को ये धमकी देना। कल को मेरे भाई आदित्य, को ये कुछ हो जाता आदित्य तो आदित्य बलियान गंडवा है, तेरे को नहीं पता? वो दीपक कलाल के पास जब गया था ना, उसकी खूब लंच चूसे। और जब आदित्य, जब दीपक ने कहा मेरी गौंड मार, उसकी लुली छोटी सी थी, आप वो लुली जैसी गौंड में डालते तो बाहर आ जाती थी, जैसी डाले फिर बाहर, जैसी डाले फिर बाहर। तो दीपक ने उसे गौंड पे लात मार के भगा दिया, सोनिया। पता लेकिन यार इतना बड़ा मैटर हो गया, मेरे भाई को यार खुलेआम धमकियां दे रहे हैं लोग। आदित्य का चल ठीक है, है। वो तो पैसे खा के बैठा है, उसके अंदर ज्यादा दम नहीं है, लेकिन ये लोग खुलेआम मेरे भाइयों को धमकी यार दे रहे हैं यार, उसमें ये तो भी गलत है ना। उसकी लुली में तो दम होता ना, वो तो वो भी नहीं है। एक वो तोतली उसकी 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 गर्लफ्रेंड बन गई। तोतली बताए क्या कहती, हाँ वो मैं तो उससे जानवी, गर्लफ्रेंड जानवी हूँ, जानवी मैं तो तरुण दी। प्लीज आदित्य तो ऐसे ना तो, मैं उसे प्याल तलती हूँ अभी, जा बोल रही थी तेरे मेरे सामने तो उसके मुंह पे दे घुसन दे ला, दे घुसन दे लात मारती तोतली की। यार कैसी कह रही, मैं तो उसे प्यार करती हूँ, मैं तो उससे साथ लूंगी, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? तोतली तेरी अम्मा की चूत, सोनिया, मालूम है साथ तुझे? लौंदी नहीं, साथ लूंदी, तोतली, लूंदी रहूंगी हाँ नहीं लूंगी, भूल मत। तोतली, अरे उसको उसको वही मिलनी थी, वो भी मिल गई, बहुत बड़ी बात है यार। मैं तो ये कह रही हूँ उस गंडवे को, दोनों साथ मिलके लेंगे ना, आई मीन यार देंगे। तू,
अब वो इतनी आराम, वो पहले पनौड़ी को जाके बोलती कि मेरी 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 बात सुनो, मेरी आदित्य ने मेरा पैसा खाया, प्लीज मुझे ऐसे करो। अब वो तोतली गंड भी कहती मैं तो उससे साथ रहूंगी, मैं तो उससे प्यार करती हूँ, मैं तो उसको चूसूंगी, तुम क्या करोगी? अरे भैया तो उसकी दुकान में मुझे क्या लेना था उससे तोतली, वही वो सच मेरे सामने होती ना यार, कसम उड़ान छल्ले की उसी गांड में ना प्लास्टिक के केले घुसेड़ देती मैं तोतली को। अरे दीपक बाप का बन सकता है। हाँ दीपक, यार दीपक बाप बिल्कुल बन सकते, आदित्य बलियानी बन सकते, लेकिन दीपक बन सकता है। कहीं आदि का बच्चा तो नहीं सोनिया? अरे जा, इससे पहले मैं जहर खा के नहीं इसको मार दूंगी, क्या बात कर रही है तू? उसके बाद देख मैं तुझे एक एक्टिंग करके दिखाता हूँ, रुक जा, मुझे फोन फोन को अच्छे से सेट करने दे। यहाँ से शायद दिखेगा, मेरा फेस दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, मेरा फेस दिख रहा है ना? दिख रहा है। आवाज आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है। देख ये राहुल की जो बीवी है ना, राहुल की जो लुगाई है उसकी घर वाली भाई, ये अपने घर पे ऐसे बैठी थी, ऐसे कान में ईयरफोन लगा के ऐसे बैठी थी, और वो राहुल लाइव पे था, और जैसे ही राहुल ने ऐसे कैमरा फ्लिप किया ना भाई, उसकी लुगाई दिख गई राहुल की। इतनी इतनी मलूक है उसकी वाइफ सिद्धि, तू मानेगी नहीं। अरे मैंने देखा है वीडियो कॉल पे भाई, आज पूरा इंस्टाग्राम उसकी चूट लेने के लिए पागल हो रहा है भाई। लोगों ने उसकी स्टोरी डाली ना, मुझे लोगों ने इतने डीएम किए, बोले के पनौड़ी भैया बेंचो मूठ मारने का अच्छा सामान दे दिया हम लोगों को भाई। अब तो है ना, एक हफ्ते तक इसके फेस को देख के ही लोग मूठ मारेंगे। अब ये बैंकाल वाला जब बोलता है ना कि चलो जानू मैं तुम्हें बड़ी सी रेस्टोरेंट में ले चलता हूँ, तो तुझे पता है इसकी बीवी उसको क्या बोलती है? क्या बोलती है भाई? उसको ये बोलती है कि साले भोसड़ी के गांड धोने का पानी नहीं है, और तू मुझे रेस्टोरेंट में खिलाएगा? बैंकाल वाले मैंने आलू की सब्जी बनाई है, वो अपनी रूपा की बनियान पहन के घोसड़ी वाले खा के लेट जा बेड में, ये उसकी वाइफ उसको बोलती होगी। बहन जो इतनी कटाई मलूक है भाई, उसकी वाइफ शेरनी रंडी ने एक बात तो सच बोली थी भाई, माननी पड़ेगी रंडी की बात को, के बहन जो तेरी वाइफ इतनी मलूक है ना राहुल, के बहन जो तेरा उसको देख के भी लंड खड़ा नहीं होता। सोच वो मरी थी क्या? उसको तो सोनिया का देख के खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए तो अब उसकी वाइफ को, उसकी इसकी बहू को देख के भाई लोग मूठ मारेंगे ना भाई। मूठ मारने वाली वीडियो राहुल शर्मा को भेजो, उसकी बीबी का नंबर भी मेरे पास आ गया है, अब वो नंबर मैं पनौड़ी आर्मी में भेज रहा हूँ। उसकी बीबी को भी फोन करके है ना, भाभी जी मूठ मरवा दो, भाभी जी कितने पैसे लोगी बताओ, पेटीएम कर देते हैं लेकिन मूठ मरवा दो भाई। यही सारी बातें होनी चाहिए उसके साथ फोन पे। गॉड सोनिया, वो तुझसे मिला था तो तेरे साथ कोई गलत हरकत तो नहीं किया उसने? अरे नहीं, उत्ते को लगता है ऐसे लोगों की मैं वो करने वाली हूँ, माइक और व्हाट रबिश बिच, ऐसे लोगों को मैं मुंह लगाऊंगी, अपने चप्पल मार मार के मुंह लाल कर दूंगी। हाँ अपने पैसे पूरे लियो, ये सारे ना हराम का खा जाते हैं सोनिया। मैं तो अपने एक रुपया भी नहीं छोड़ती, तुम्हें क्या बताऊं? ये तो वो लड़की पागल है जो आदित्य बलियान जैसे भी पैसे खर्च करके बैठ गई, मेरी इस दिन फूटी कौड़ी भी ना दे ऐसे लोगों को। मुझे ऐसा लगता है, मुझे अब डाउट हो रहा है कि ये जो कपिल पुरी है उसका पेट तो इतना बड़ा है कपिल पुरी का, राइट? तो ये बालियान को अभी फ्लैट में रखता है बालियान को, हाँ। तो कहीं बालियान कपिल पुरी की वाइफ के साथ टपाटप तो मत करता है भाई।
ओह माय गॉड, क्या राज खोल दिया आज पनोड़ी तूने। नहीं नहीं अपने खुद का फ्लैट, यानी कि वो बंदा उसको किराया देता है। या तो दो चीजें, दो बातें हो सकती है कपिलपुरी तेरे बालियान की, या तो तू बालियान से गांड मरवाता है, या तो बालियान से तू गांड मरवाता है, या तो तू अपनी बीबी को बालियान के साथ भेजता है। दो बातें हो सकती है कपिल तेरे बालियान के साथ टपाटप की। हेलो कौन, मेरा दिमाग इतना, मेरा दिमाग अभी चलने लगा कि भाई ये कलयुग में कोई बंदा क्यों किसी को फ्री में फ्लैट देगा, बताओ। हाँ यार भाई, ये तो सोचने वाली बात है। आजकल तो लोग हगने के भी पैसे लेते हैं। हाँ तो सोचने वाली बात ये है कि बालियान को इसने फ्लैट दिया, मतलब के या तो बालियान उसकी बीबी को सेटिस्फाइड करता है, कपिलपुरी की बीबी को। उसमें तो दो लोग भी थे ना, उसमें तो वो पुनीत सुपरस्टार भी था, पुनीत सुपरस्टार को क्यों नहीं दिया कमरा, बताओ। हाँ ये बात भी सही है। सिर्फ बालियान को ही दिया, बालियान को इसलिए दिया कि बालियान यंग लौंडा है ना वो, तो उसकी बीबी को पर्सनली अंदर से जानती होगी सोनिया, वो यंग लौंडा है या नहीं। अरे पनोड़े मैंने तो सुना है बालियान गे है। क्या हुआ, गे है वो, गे है ना, हाँ गे है वो, तो सबको पता है। ये तो अब तो देखते नहीं चिकना चुपड़ा भैया, जो मर्द होते हैं ना उनकी छाती पे भी बाल हो गए ऐसे छक्कू क्या क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे बैठ के ना, फिर मैं बोलूंगी फिर ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे सारे व्यूअर, फिर ये बोल पड़ी। मैं तो देखती जाऊँ तो दुनिया का नजारा लेने आए हैं, बस देखो कि क्या हो रहा है। वो सच में गे है, he is a gay। देखो पता है जब उसको दीपक ने लात मार के भगाया था अपने घर से, वो आया नहीं था, उसको भगाया गया था दीपक ने। मुझे सारी बात, he is a bisexual, bisexual समझती है। हाँ समझती हूँ बहन, तुझसे ज्यादा इंग्लिश समझती हूँ। वो बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल, उसको गाने देने का भी शौक है और लेने का भी। हाँ हाँ वो समझ आता है बहन, उसको दोनों में इंटरेस्ट है, वो भी है, उसको दोनों में है। फुद्दी फुद्दी तो बस वो लड़कियों के पैसों के लिए मार ले तो अलग बात है। हाँ वही तो मैं तुझे बोल रही हूँ। वो कहते हैं मुझे तो अगर करण जौहर भी बोलेगा ना मेरी गांड मार, मैं तो पूरी रात मारूंगा। यार क्या बात कर रही, चलो करण जौहर तक तो ये पहुंचना बहुत नहीं औकात नहीं है कि करण जौहर तक चले जाए। बिल्कुल ये बात तो मैं तेरी मानती हूँ। सोनिया एक बात बता, जरूर फिर तेरे साथ कुछ ना कुछ किया होगा उसने। नहीं नहीं बहन, मैं तो सोच के तो गई थी मैं खीरा कद्दू लूंगी, लेकिन जब मैंने देखा तो लेडी फिंगर निकली, भिंडी समझती है, भिंडी लेडी फिंगर। आप तो सोच, लेडी फिंगर ना मुंह में लेने का मन करे और ना पीछे लेने का। हाँ, तो मैं क्या करूंगी ऐसी चीज का, तू ये बता। मैं तो इससे अच्छा कद्दू ले लूंगी, घिया ले लूंगी, गाजर ले लूंगी, और क्या लूंगी, और कुछ चीजों का आइटम का नाम बता, मैं तो भूल गई। बैंगन ले लूंगी और ऑल वेजिटेबल्स मैं ले लूंगी, और प्लीज सभी लोग मुझे स्नैपचैट पे फॉलो करना, सोनिया अरोड़ा 7477। बहन तूने तो सुमित को भी नहीं छोड़ा यार। अब क्या बोलूं उनके बारे में, तो बस ऊंची दुकान पीके पकवान। तेरा तो प्यार है ना वो। हाँ क्या करूं, बस बस भाई कुछ मत करो, कुछ मत करो लोग, सिर्फ कुछ मत करो भाई। रात का टाइम है, बारिश भी हो रही है, और इतनी खूबसूरत अगर किसी की बहू हो और अच्छी पोजीशन में भी वो बैठी हुई है भोसड़ा खोल के अपना, तो मैं भी भोसड़ा मैं भी बैठी हूँ ऐसी बस ये बेंच हो जाए ना, सोनिया रेडी रहती है कि कब भोसड़े की बात आए और मैं खोल दूँ। अरे रुक तो जा, रुक तो जा, यहाँ तेरी बात नहीं चल रही, यहाँ किसी और की बात चल रही है भाई। वो
राहुल की मलुक बहू ऐसे भोसड़ा अपना खोल के बैठी हुई है, बस भाई वही खुले हुए भोसड़े में तुम लोग मुठ मारो, बहुत मजा आएगा तुम लोगों को, सेटिस्फेक्शन की गारंटी है। इतनी मलुक वाइफ भाई मैंने आज तक किसी की नहीं देखी भाई, कतई मलुक वाइफ है भाई, उसकी मान गया भाई। सही में यार इतनी अच्छी अगर बीबी हो ना तो बहनचोद मैं तो घर पे बैठा रहूं, शायद राहुल भी तो यही करता है ना, घर पे बैठा रहता है अपनी बीबी की चूत पे ही पैसे कमाता है ये। इसीलिए अब मुझे पता चला कि ये हमेशा अपनी कार में लोगों को भर भर के कहां लेके जाता है भाई, ये ना उसकी कार में कस्टमर लोग को लेके आता है और वह जो उनको ही दारू पिलाता है और फिर बोलता है कि भाई मेरी मलुक बीबी का भोसड़ा रेडी है तुम लोगों के लिए, तो उसको तुम है ना आज पूरा खोद डालो, चोट डालो नहीं खोद डालो, खुदाई कर दो मेरी बीबी के भोसड़े की। इतना कलप रहा है रे तू, अब तो संडे से तेरी बच्ची को मैं बीच में लाने वाला हूँ, तेरी बच्ची को और उसकी बच्ची को, तेरा जो तेरा सबसे बड़ा तेरा मालिक है ना, तेरा मालिक जिसने तेरे गले में पट्टे डाला हुआ है, तेरे मालिक की बेटी को। पनौड़ी ने तो अभी ट्रेलर दिखाया, अभी तो पिक्चर बाकी है, ट्रेलर चल रहा है। पूरी के सामने मुझे एक बार वीडियो कॉल करता है और बोलता है भाई सिद्धि मेरी बहुत बात सुनती है, ये करती है, उसके सामने रुआब झाड़ रहा है मेरे पे, बोलते चमत्कारों को लेके बोलना बंद कर, ये कर। मैंने बोला ये रुबाब मुझे मत बता, तभी तो इसने मुझे गालियां दी थी बहुत सारी चोनिया। मैंने बोला कौन इन कुत्तों के, मैं नहीं जानती कौन है वो, आई डोंट नो। मैं तो पनौड़ी को जानती हूँ, दीपक को जानती हूँ, एक दो लोग और हैं जिनको मैं जानती हूँ, बाकी ऐसे छोटे तो मुझे भी भूल गई है बहन की लोड़ी। अब जाओ शेरनी की लाइफ पे जाके दो मुझे गाली, फिर मैं तुम्हारा अकाउंट उड़ा दूंगा। नहीं मैं तो वैसे भी भाई किसी की लाइफ पे नहीं जाती, तुझे भी तो पता है। नहीं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ अरे वो सोनी का रंडीगढ़ नहीं थी, सोनी का रंडीगढ़ ओह माय गॉड, पनौड़ी को भी इतना बोल रही थी। क्या बोल रही थी पनौड़ी को? अरे बहुत उल्टा आंटी संत बकरी थी, वो बड़ी हराम की दल। अरे वो तो खुद 100-100 रुपए में जाने वाली है, वो क्या बोलेगी मेरे भाई के बारे में? अरे बस पूछना। अच्छा डांस लोग कह रहे कि सोनिया डांस दिखाओ, डांस दिखाओ, दिखा दो बहन, दिखा दो दिखा दो दिखा दो दिखा दो दिखा दो सोनिया। मैं लगाऊंगा ना, मैं भी बता, मैं लगाऊंगा ना। चलो भाई आज तो मैं भी अच्छे से सोते सोते डांस देखूंगा तुम्हारा। आराम से लेटे लेटे डांस देखूंगा सोनिया तुम्हारा। देखो हरामी, 5 लाख का स्काउट रखा है भैया, ये देखो वाओ, ये देखो मैं उस दिन क्लब गई थी तब की फोटो है ये, जबरदस्त। तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी देखा मैंने, मैंने बताया था ना तुमको। हाँ जल्दी जल्दी 4000 करो गाइस, सोनिया नाच दिखाने वाली है। सोनिया कौन से गाने पे भाई? फटाफट 4000 कर दो वरना मेरी लाइव बंद हो जाएगी, कब से मेरी लाइव चल रही है। कौन सी गाने पे सोनिया का तो सबसे अच्छा डांस उसमें ही है, टिप टिप बरसा पानी। भैया पानी तो इतना बाहर निकल रहा है, अब लोगों के लंडों में से भी निकल पाओगी क्या पानी? कितना पानी निकल पाओगे पनौड़ी? सुनो मैं ये चाहता हूँ कि सोनिया यहाँ पे पानी पे डांस करेगी और तुम लोग राहुल की बहू को लेके तुम लोग है ना मुठ मारो। यहाँ पे सोनिया तुम्हें फीलिंग्स देगी और राहुल की बहू का पिक्चर तुम्हारे हाथ में रखो तुम लोग। चलो डन, रुक टिप टिप बरसा पानी डीजे लगाती हूँ। आई डूइंग टिप टिप बरसा पानी चूत की रानी, जल्दी लगा। रुक जा।